और दोस्तों, क्या हाल चाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, पानी पूरी वगैरह बेल लिए, अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा नट वगैरह लेने। नट वगैरह क्या, वो जो माउंट बॉल मंगवाया था ना, उसको फिट करने के चक्कर में देखता हूँ कहीं लगवाऊंगा उसको। अबे दुकान कहाँ खुलती है? मेरे पापा बोलते हैं दुकान कहाँ खुलेगी, 9 बज गए हैं, 100 रुपये ले लिया हूँ। देखो कल रात को आलू का बुरा लाया था तो ये बाइक में ऐसे ही लगा, सीट फट गई है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही बोरी में अपने टेम्पो में भी बांध लूँ वहाँ पे आगे साइड में, लेकिन ना उसमें अच्छी नहीं दिखेगी। कोई सा रैगजीन लेके आता हूँ, मतलब रैगजीन वही जो कलरफुल मेट रहती है ना वो, तो वो घर में ही लगा सकता हूँ। 700-800 रुपये लगेंगे वहाँ दुकान ले जाने में। देखते हैं, चलिए नट लेके आते हैं, आपको भी दिखाऊंगा कौन से नट लेके आ रहा हूँ। तो अभी मैं हार्डवेयर दुकान में आ गया हूँ और एक नंबर को ये मिला है, इतना बड़ा मिला है, लेकिन साइज का ये छोटा है। कितने का है एक पीस? 10 रुपये का। दो तो छोटा वाला नहीं, इसे थोड़ा सा दो तो चार एक पाँच। तो अभी फिलहाल ये बड़ा बड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे करना है, देखते हैं। आप बिल्डिंग दुकान में आ गया हूँ नट लेके, अब देखता हूँ इसको कैसे करवाना है। पूछा तो बोले कर देंगे, 15-20 मिनट लगेगा। अब टेम्पो का भी इधर से ही ले आऊँ कि टेम्पो को दुकान लेके जाऊँ, उसके बाद देखता हूँ जैसा भी होगा। तो अभी टेम्पो ले जा रहा हूँ और ये सामान तो उतारना ही पड़ेगा, क्या ही करूँगा इस सामान को रख के, स्टूल वगैरह काउंटर वगैरह सब उतारना पड़ेगा यहीं पे। तो इसको ना ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे वेल्डिंग करवाना पड़ेगा ताकि ये एंगल वगैरह इधर भी आ सकता है, इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, किधर भी आ जाए। लेकिन थोड़ा सा ये नट जो है ना ज़्यादा बड़ा हो गया है, देखते हैं इसका भी जुगाड़ करेंगे। चलिए फिलहाल चलता हूँ टेम्पो लेके। अभी तो अभी मैं गैरेज में आ गया हूँ और ये पाँचों को कटवा लेता हूँ, तो मैं कहीं भी छोटी छोटी जगह पे इसको वेल्डिंग करवा देता हूँ। और ये 5 होल्डर हैं, 4, एक कहाँ गया यार। तो अभी वेल्डिंग होने वाला है, उससे पहले मैं बैटरी खोल दूँ, दोनों तार खोल दूँ भैया कि एक ठो? एक ठो खोल दिया हूँ, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? एक ठो खोल दिया हूँ ना, लटक रहा है ऐसे ही बाहर में। ठीक, तो यहाँ पे एक बोल्ट लगवा दिया हूँ और अभी ना मैं एंगल देख देख के कहाँ से वीडियो बनाना है वहाँ पे ये लंबे लंबे बोल्ट को लगवा देता हूँ। तो एक एंगल ना मेरे को यहाँ पे ही बनता है ऐसे करके इस एंगल में। तो वेल्डिंग करवा लिया हूँ और ज़्यादा जगह नहीं करवाया हूँ, 2 जगह टेम्पो में, 1 जगह ये, वहाँ 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 और वहाँ। अब देखता हूँ इतना बन जाए तो काफ़ी है। और ये ना मतलब देखो इसके अंदर ना ये जो स्क्रू है ये जाएगा इतना ही, ठीक है, और ये इतना लंबा, मतलब इतना जाएगा तो इतना बचा रहेगा, तो ये ढीला हो रहा है, उसका भी देखना पड़ेगा कैसे करना है। कितना हो जाएगा भैया इसका, भैया कितना हो जाएगा? तो अभी टेम्पो घर ले आया हूँ और देर तो हो ही गए हैं, 11 बजने वाले हैं। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये लगा लेता हूँ सबसे पहले, तो साफ़ सफाई करके ठेला लगा लूँ, बाद में इसको देखता हूँ, मतलब वहाँ ठेला ले जाऊँ उसके बाद। तो खाना पीना खा लिया दोस्तों और डुगडुग ना अभी सो रही है क्योंकि ना सर्दी सर्दी लग रही है हल्की फुल्की, और हल्की फुल्की ना अभी बारिश हो रही है। अब पूरा सामान तो बन ही गया है, देखते हैं चलते हैं। तो अभी ना टेम्पो को सीधा कर लिया हूँ, अब निकलता हूँ, कैमरा एंगल मेरा वहीं पे है, चालू करके निकलते हैं, अब लगाते हैं कैसे करना है। तो टेम्पो को ना ऐसे करके घुमा के लाना पड़ता है ऐसे करके यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे आया है तुरंत। अब चलो, जीरा धनिया मसाला पूरा छटक गया यार। और भैया क्या खाएंगे? धनिया पत्ती लाना भूल गया मैं यार, कल आया था मैं 20 रुपये का धनिया पत्ती बहुत सारी, अब फिर मैं भूल ही गया लाना। अब मेरा भाई चला गया है, मैं बताना भूल गया मेरे पापा कहाँ हैं गाँव। क्यों? वो मेरे भाई के शादी से रिलेटेड कुछ काम है, इसलिए मेरे को जाने के लिए बोल रहे थे। तो मैं बोला आप चले जाइए, मैं दुकान खोलता रहूँगा, 2 पैसे कमाते रहूँगा, तो वो चले गए हैं अभी। तो
तो बारिश ना हो ही गई, कल तो नहीं हुई थी, आज हो गई। अब तिरपाल बांध लूँ सबसे पहले, और भैया तो रुके हैं, बाकी कुछ कस्टमर आए थे वो चले गए, हड़बड़ी में थे, और कुछ और आ गए। थोड़ा सा दो मिनट दीजिएगा ना भैया, पहले छत्र छाया बना लूँ एक बार। एक मिनट भैया, नहीं निकाला हूँ ना, निकाल रहा हूँ तुरंत। इसमें डाल दीजिए, प्लेट डाल दे सकते हैं। इसमें एक टब मैं इधर रखता हूँ, और एक डस्टबिन वाला, ये वाला, ये टूटा है बीच से, लेकिन इसमें कोई पानी नहीं डालता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे कि बारिश होने लगी है ना, तो अब ये देखना है कि ये जो पानी है ये चूता है कि नहीं, यहाँ से पता नहीं। दो छोटे छोटे ना गिट्टी के टुकड़े लिया था ना, बड़े बड़े मतलब चौड़े हो गए, और इतने मोटे होते तो इसको ना कोई चक्के के नीचे लगा लेता तो ठीक रहता, हल्का सा तो उठ ही जाता। लीजिए भैया, धन्यवाद। तो ये ना काम तो परफेक्ट कर रहा था, लेकिन दिक्कत ये हो रहा था कि इधर से उठा हुआ था, इधर से उठा हुआ था, बीच में तो नट लगा था यहाँ पे, तो नट को निकाल के मैं यहाँ पे पत्थर लगाया, वरना ना देखो ये वहाँ पे छेदा हुआ था, एमसील लगा देता ना तो पानी नहीं छूता। अब नट को निकाल के मैं अंदर रख दिया हूँ ताकि ख़राब मत हो। ठीक है, सेक लूँ और थोड़ी सी। तो आज धनिया पत्ती ने टिक्की में तो डलवा दिया, लेकिन ना ये जीरा पानी में डालेंगे लाना ही भूल गया। अब उस तरह बाजार है, अब मेरे भाई भी नहीं आया आज तो कि मैं मंगवा सकूं। अब इसको मैं सेक दिया हूँ, इसको जमा दूँ एक एक करके। बारिश हो ही रही है थोड़ी मोड़ी, देखते हैं। अब तवा हिलने लगा उस तरफ ना, ज़्यादा लोड हो गया है मेरे ख्याल से, इसलिए ना देखो हल्का हल्का हिल रहा है। और अभी ना बैठा हूँ आराम से, और बिक्री बैठा है नहीं, एक पन्नी पानी पूरी निकली है, 3 बजने वाले हैं, मतलब 1500 होने चाहिए, 500 हैं शायद, 500 550 हैं, और चार तो एकदम ही बिकी, चार बिकती है तो 650-700 हो जाते हैं। अब लग रहा था कि मौसम खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा धूप निकलता है फिर से ख़त्म रहता है। देखो आज ना जो रामनवमी चल रही है अपनी, उसका आज पंचमी है, पंचमी और नवमी को मैं सोच रहा हूँ कहीं ले जाऊँ मैं टेम्पू, जैसे कि पास में ही हमारा एक महामाया मंदिर है जहाँ मैं टेम्पू की पूजा करवाने चला गया था, वहीं सोच रहा हूँ ले जाऊँ। लेकिन ना वहाँ परमिशन मतलब पहले से जगह लेनी पड़ती है कि क्या रहता है नहीं पता। बाकी टाइम पे ना वहाँ भीड़ नहीं रहती है, लेकिन ना अठवीं और नौवीं को वहाँ अच्छी भीड़ रहती है, तो वही सोच रहा हूँ वहाँ पर ले जाऊँ। अगर ले जाऊँगा तो वहाँ एक दिन पहले जाके देखना पड़ेगा जगह वगैरह मिलेगी कि नहीं, ये सब देखते हैं अब क्या होता है। आज तो बड़ा ख़तरा है यार, ऐसे दुकानदारी चलेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब गजब। अभी चले जाऊँगा जहाँ मंदिर है वहीं पर, शाम को 6 बजे तक तो शायद भीड़ होगी, हाँ 6 बजे तक होगी। लेकिन ना कुदरगढ़, हमारे यहाँ पे एक और मंदिर है कुदरगढ़, ठीक है, मैं भी बताऊँ आपको, 1 घंटे से बैठा था, कुदरगढ़ भीड़ है, मतलब बिगड़ी नहीं है दिमाग खराब है। कुदरगढ़ एक और मंदिर है, वहाँ 70 किलोमीटर पड़ता है वो, 40-45 किलोमीटर, तो बहुत दूर पड़ जाएगा, ये आस पास है तो इसमें से मैं जा सकता हूँ। धीरे धीरे करके ना, आधी पन्नी बची है मतलब, और ये ना साइज थोड़ा सा कहोगे भैया, अच्छा जाना है घूमने के लिए, साइज बड़े बड़े इसलिए ना जल्दी ख़त्म हो गई लगभग, और 6 टिकिया बची है, वही मटर को ना इसमें फोड़ फोड़ के खवा रहा हूँ मैं। फुल्की खाएंगे चाट खाएंगे दोनों हम खाएंगे, चाट आप बनाना है ना। दही वाला चाट खत्म हो गया पूरा, और ये 50 का फुल्की पैक हो गया। अब टिकिया ख़त्म हुआ है, मतलब मटर तो है अभी मेरे पास, ठीक आप कहना ये हो गया आपका 130।
तो चाट को दोस्तों लगभग खत्म कर दिया हूँ। हाँ करना पड़ता है पता है। और क्या चाहिए आपको? दो ठो मीठा मिर्ची वाला ना, दो ठो मिर्ची वाला फुल्की लीजिए। डालू मिर्ची? मिर्ची डालूं? डाल दो इतना। ये शाबाश। मिर्ची लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, नहीं लगता है ना, इसीलिए पानी दूं। कलकत्ता वाले भैया आ चुके हैं, वहाँ पे ठेला लगा लिए हैं देखिए। और इनका छुटकू यहाँ पे बुदको आ गया देखो, दही पीने के लिए। दही वाला फुल्की खाएगा? हैं? और पानी दूं? पेट सूखा है। लगा मिर्ची? हैं? सही है। तो मीठा चटनी थोड़ा सा है? हाँ डाल दी। हैं? दही डाल दूं ना? तो मीठा चटनी खत्म ही हो गया था लगभग, और दही डाल दिए हैं ज़्यादा। चलो भाई खोलते हैं रस्सी। और आज ना भाई पानी बरसा था तो यही तिरपाल को ऐसे करके बांध दिया था ताकि भाई पानी इधर जाए मत, इसका मतलब नहीं तो ना उधर कोना में जाके जाम हो जाता है, इसलिए मैं नीचे करके रस्सी को बांध दिया था। तो सब सामान दोस्तों ऊपर रख दिया हूँ, रबड़ निकाल लूँ। और कलकत्ता वाले भैया आ गए हैं, उनसे मिल लेते हैं एक बार। कैसे भैया? किसी से बात कर रहे हैं तो मैं उससे कहा डिस्टर्ब करूँ यहाँ, हो गया। मौसम देखो ना अच्छा हुआ, लेकिन फिर से शायद हो सकती है बारिश हो थोड़ी मोड़ी। तो अभी टेम्पू को लेकर चौपाटी में आ गया हूँ। लिट्टी नहीं खाऊंगा, इच्छा नहीं है। और आज ना चौपाटी में एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। विकास भैया के साले साहब हैं और यहाँ मामा श्री हैं। तो अभी दोस्तों टेम्पू वगैरह घर ले आया, सामान वगैरह सब उतार दिया। अभी जा रहा हूँ झोले लेके बाजार। और सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे ख्याल से, ये जो मौसम बिगड़ रहा है ना, सर्द गर्म धूप निकलता है फिर बारिश होती है, इसी के चक्कर में। तो चलिए आप ये बताइएगा पहले कि अभी तो जा रहा हूँ बाजार, कि ये जो आइडिया था ये कैसा लगा? इसके बारे में आपके पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उसके बाद। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रहा भाई मेरे लिए, इसी में लगा रहता है, कौन निकालेगा इसको। चलिए तो बाज़ार से दोस्तों मैं सामान लेके आ गया हूँ, और मेरा भाई भी आ गया। और क्या हालचाल हैं? क्या हालचाल? गर्मी? तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। बहुत नींद लगी है, पता नहीं सर में भी दर्द हो रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।